हमारी एक पर्सनल लाइफ होती है उसके प्रति भी न्याय कर रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, सोशल मैसेज, और हमारा रिचुअल को स्पिरिचुअल में कन्वर्ट करना। अभी मैं इस बात से बड़ा प्रभावित हुआ कि मुझे बताया गया उज्जैन के सांसद द्वारा कि पहले महाकाल की सवारी भी गुरु जी 3-4 पार लोग लेके जाते थे, हम छोटे छोटे थे, हम ध्यान ही नहीं देते थे। आज उस सवारी में पूरा उज्जैन क्या मध्य प्रदेश जैसे लोग इकट्ठे हो गए, 80% लोग स्वार्थ से इकट्ठे होते हैं, हमारा काम हो जाएगा सवारी उठाएंगे। ये आध्यात्मिक, हर इंसान स्वार्थ से जुड़ता है, खुद के उत्थान करने के लिए बहुत कम प्रतिशत रहता है, और मैं आप लोगों को उनमें जोड़ता हूं कि स्वयं का उत्थान करने के लिए। नाउ स्टिल वी हर्ड द अबाउट नेम ऑफ विंडो शॉपिंग, स्टिल वी आर डूइंग द विंडो शॉपिंग। अरे मेरा जीवन है, मैं मेरे जीवन को ठीक करूंगा दूसरों की मदद से, बस ये संकल्प सब में शक्तियां हैं। मैंने कभी कल्पना नहीं करती थी, कर्मचारी था, क्लर्क था LIC में मैं, कि मैं इस लेवल तक आ जाऊंगा। हमारा अनिल के साथ, वर्षा के साथ बचपना गुजरा, 30 साल हम दोनों साथ में काम करा। वर्षा ने कभी, दोनों के नॉट इमेजिन ये टोनी मिश्रा कहां पहुंच जाएगा। वर्षा यस, अनिल यस, साथ में झगड़ा करते थे, एक साथ में रहते थे, बात करते थे, ये करना तू केश पे नहीं बैठेगा, मैं बैठूंगा फलाने, दस सही वक्त। लेकिन यह परिवर्तन 2014 से इनको दिखा होगा, वो मेरा लाइफ जो 2014 टर्न हुआ। तो ईश्वर आपसे क्या कराएगा आपको नहीं मालूम। यस, लेकिन आपको अवेयर रहना कि मुझे क्या करना है। मुझे दूसरों के पश्चिम चलना है, किसी बड़े की परछाई बन के रहना है, या अपनी खुद की छोटी पहचान बनाना है, बस। और हमने क्या किया, सिंपल गणित। आज का हमारा टॉपिक था, मैं इस पर आऊं इसके पहले मैं आपको कहूंगा कि आज हमारे डिवाइन एस्ट्रो परिवार की माधवी, शी वॉज वेरी एक्टिव एंड वेरी एक्टिव इन द मेडिटेशन, ध्यान की दुनिया में बहुत गहरा ज्ञान है उसको, और मैं देखता था, वॉश करता था, ध्यान से आंख से उठता था आखिरी में, तो भगवान की दया से मैं चेहरा देख के इतना ऊपर वाले ने ब्लेस किया कि कौन व्यक्ति ध्यान में था, कौन व्यक्ति विचारों के साथ था, पता कर लेते। लेकिन वो तो प्रोसेस होती है, कोई व्यक्ति आगे निकाले, मुझे सबको लेके चलना है। तो शी लॉस्ट हर फादर, तो मैं उसको कोई मान नहीं रहा, वेरी गुड, द फादर हैज कंप्लीट हिज जर्नी, गिव द ब्यूटिफुल डॉटर, एक डॉटर जो अपनी जिम्मेदारियों की चिंता करते हुए, माता पिता की चिंता करती थी, फादर की चिंता करती थी, उसके दो ब्रदर देखने के लिए बराबर थे। लेकिन ये 5 तत्व से जो शरीर है, इसका कहीं ना कहीं जाना, एक हम आपको वेदना तो देता, जो बीता गया समय आपके साथ गुजारा, वर्तमान में तो आप गुजार ही नहीं रहो, बीता गया समय जो भी आपने किया, ये हमेशा याद इंसान को जब भी आता है, जब वह इंसान नहीं रहता है। इंसान की बुराइयां उसके जीते जी गिनी जाती, अच्छाइयां मरने के बाद दिखती, या वो स्थान छोड़ने के बाद पता लगता है, जब तक वो लोगों की नजरों के सामने है। अरे क्योंकि हमारे उनका दोष नहीं है, हमारी मेमोरी का नेचर है, ऑलवेज सेलिब्रेट नेगेटिविटी। पर लेकिन जब वो इंसान आपकी आंखों के सामने चला जाता है, आज आप कितनी भी लाख नफरत करते हो, वो कहने के अरे यार वो भी अच्छा था। ये मेरी प्रोफेशनल लाइफ में मैं सोच रहा हूँ, व्हेन आई वाज इन द LIC, ये ब्रांच भी आ रहा है, ये जाए तो अच्छा यार, ये जाए तो बहुत अच्छा, इसका ट्रांसफर हो जाए, इतनी जल्दी ट्रांसफर हो जाए, अच्छा उसका ट्रांसफर होकर नया आता था कुछ चंद बजे, अरे यार इससे लाख गुना अच्छा पिछला वाला था। ये ऑब्वियसली आपके लाइफ में भी होता होगा, यार पिछला वाला कुछ नहीं करता, हर एक व्यक्ति अलग अलग ऊर्जा के। ऑलवेज वी अप्रिशिएट अवर पास्ट ब्रांच मैनेजर, एक ब्रांच में जाओ उसको सबको ट्रांसफर कर दिया, सब दुश्मन लगने लगा हो,
आज वो अच्छा लगने लगा कि रोल आपकी बातों में लेकर आपको लेकर चलना माता लगे, लेकिन अपनी सीट के प्रति कार्य करना इट इज अ वेरी गुड जस्टिस करना। मैं ऐसे कृष्णा मिश्रा बहुत अच्छा हूं, लेकिन एक गुरु के रूप में आपके सामने बैठा हूं तो मुझे आपके समय के साथ जस्टिस करना है। यस, तो जिंदगी में आप जब जब जिस रोल में रहोगे जस्टिस करेंगे। दो मिनट के लिए हम ये अंगूठा गुरु के आंखें बंद करें, दोनों ये चीन मुद्रा में लेकर आंखें बंद करें। अगर विजुलाइज द माधवीज फेस इफ यू रिमेंबर, अगर आपको माधवी का चेहरा याद है तो याद करने की कोशिश करें। एंड प्रे हील एंड ब्लेस टू हर फादर, जो अपने जीवन की यात्रा पूरी कर भरा पूरा परिवार छोड़कर गए। कमी नमस्कार मुद्रा, लेट्स प्रे हील एंड ब्लेस टू दैट सॉल। पितात्मा जो इस पंच तत्व शरीर में थी, मन ही मन प्रणाम करें। वॉट एवर द जर्नी ही स्पेंट, ओम शांति शांति शांति। नाउ ओपन योर आइज। अभी माधवी से कोई डिमोटिवेट बात नहीं करना, और अरे अरे बहुत बुरा हुआ और मेरे काका नहीं। आई नेवर एक्सपेक्ट, हमें दुआ बदलनी है कैसा क्या हिम्मत रखना, सब कुछ बढ़िया हुआ यार। आपने अपने पिता की सेवा अच्छी की, यह प्रश्न इंसान के आता है। मेरे माता पिता हो या किसी और के माता पिता हो, जब भी वो लेफ्ट किया बॉडी, ये आपके चिंतन का समय है कि आपने उनकी सेवा कितनी की। बाकी उनको कोई मतलब नहीं, वो तो अपनी जर्नी लेकर गए, आपका इन्वॉल्वमेंट कितना रहा। आई अप्रिशिएट माधवी, और हर लोग ऐसे वो करते हैं, कहीं ना कहीं कमी रहती है, इसलिए 12 दिन का शोक भी रखते हैं, 2-3 दिन का रहते हैं। बट शीज है, माधवी का गोत्र बदल गया था, अलग थी, लेकिन पर भी कहीं ना कहीं हम डिमोटिवेट नहीं करना, डिस्टर्ब रखना। और अगर आप चाहें तो आके बात भी कर सकते हो उससे इंडिविजुअल करके, ग्रुप में तो डालना अलग बात है, आप कर भी सकते हैं। माधवी को भी एक लगेगा मेरे परिवार वालों का फोन आया, हम ब्लड से रिश्ते नहीं है। हिम्मत रखना माधवी, बहुत किया आपने पिता की सेवा, वेरी गुड। बहुत कम करते हैं, बहुत कम करते हैं, दुबई में रह के पुणे में चिंता करना, ओल्ड एज होम में उतनी चिंता करना, मेरे से हीलिंग लेना, मैं क्या हील करूंगा उसको जो दिव्यात्मा होने जा रहे हैं। पर लेकिन मन रखने के लिए मैं करता हूं, हमको भगवान से निवेदन नहीं करना है, हे भगवान उसको दर्द सहने की ताकत दे। सिंपल, डोंट बेग टू द गॉड नॉर्मली विच वी आर डूइंग सो लॉन्ग। हे गॉड just pray, pay to courage to that lady to bear the such loss. No, भगवान ने आपको भेजा है, एक परिवार बना के। माधवी कैसी बढ़िया, लेकिन धीरे जब जब को लगे can I call you, अगर बढ़िया, चिंता नहीं करना, हिम्मत रखना, बहुत किया, उसको बुश करो। भगवान से बेग नहीं करना हमको, डोंट बेग द गॉड। ये भगवान तेरे को शक्ति, कहां भगवान कभी देखा आगे, ये शब्दों का जमावड़ा करके चलेगा लोग, वो हम रिपीट कर रहे हैं, कभी नेवर यूज दिस वर्ड। You become a God. You talk with her. कैसा क्या बेटा, सब नॉर्मल हो गया, बच्चे कैसे, सब कुछ बराबर चल रहा है, but he change her mind. Gets more work. आप सहमत हैं मुझसे? हाँ कंचन बोल बेटा।
गुरु जी प्रणाम। गुरु जी मैंने उसको दुबई में फोन किया अभी, लेकिन वो पूना पहुंच गई है सुबह में। हाँ, वो आई थिंक अभी आपको पता अभी होगा। नहीं, हाँ 2-3 दिन बाद आपको समझ जाऊंगा। हाँ मालूम टच है, उनके हस्बैंड से भी टच में, वो भी टच में, लेकिन अभी आपने बोले 2 दिन बाद अपन मैसेज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ग्रुप भी पड़ेगी नहीं इतने सारे मैसेज। लेकिन मेरा मानना है कि हमें भगवान से ऐसा कोई मैसेज डालना ग्रुप में कि लेट्स बी प्रे टू द गॉड यू गेट करेज। और काय का करेज, आप हो भगवान उसके लिए, अभी यहां हिम्मत दो उसको। शी इज ऑल्सो कॉम्पिटेंट, भगवान जैसे हमारा माहौल देखती हो, थी अच्छी बढ़िया, और शी पूना पूरी है, वो सब कुछ होगा। ओ माई गॉड, टूडे जया विथ हर मदर, नाउ वी गॉट एन टेम्पल, आई ब्लेस जया जी, शी इज रियली देखो इसको कहते हैं, इसने अनम्यूट करो जया अपने आपको, अनम्यूट करो जया जी अपने आपको, अनम्यूट किया है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आ रही आ रही भैया, हमारे भगवान आया दर्शन करने। देखिए आप इस आयु में, जिस आयु में मम्मी, हम कभी इस प्रकार का कॉन्फिडेंस एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। जस्ट वी ऑल विद द ग्रेटिट्यूड, हम सब नमस्कार करते हैं इस ममता मई मूर्त देवी के रूप में, और हम प्रार्थना करते हैं आप जब तक रहे इस धरती पर खुश रहें, और हमेशा कोई भी तकलीफ से लड़ने से ज्यादा शक्ति आपके पास हो। प्रणाम करते हैं, और कल जया जी हम सुनेंगे ना इनका शिवपुराण, कि अभी सुनाएंगे। मम्मी नमस्कार, सुनाई आ रहा है हमारी आपकी बात आ रही है? सुनाई दे रहे हैं, बट आप दिख नहीं रहे हैं, पता नहीं फोन में देख रहे होंगे। आई थिंक वी आर ऑन स्पीकर मोड, आई एम अनेबल टू सी यू। या जी स्क्रीन चेंज करके देखते हैं अभी, करो आप, देखो आप वो मोबाइल से अगर हो तो मोबाइल पे आप उंगली करके स्क्रीन हटाओ तो मेरी स्क्रीन दिखेगी आपको। आपको हमारी तरफ से, आज हमारा ये परिवार धन्य हुआ कि साक्षात भगवान आज हमारे बीच में मौजूद है। रियली आए भगवान ने भी आप लोगों को दर्जा ऊपर का दिया है। प्रणाम करते हैं हम सबको आपको पूरे गुरु की तरफ से। अभी हम मेरी बहन के घर आए हैं गुरुजी, आते ही मैंने कहा सेशन ज्वाइन करना है, माँ बोल रहे हैं हमेशा तुम्हें सेशन ही ज्वाइन करना है। योर डॉटर इज वेरी गुड, आपकी बच्ची बड़ी अच्छी है, अलग अलग चैंटिंग करती है समय समय पर, शी इज वेरी गुड। कल हम आपका देखेंगे, शी कांट फॉलो, तो वेरी सिस्टर, योर सिस्टर, आपकी सिस्टर, आपकी सिस्टर कहाँ है? वेरी योर सिस्टर, अभी पढ़े क्या पूछ रहे हैं माँ, शिवपुरण I love it.
एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आज जो मुझे ऊर्जा मिली है, हो सकता है कनेक्शन है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर कोई भी आपका पेरेंट आता है घर पे, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स के दर्शन जरूर करवाना सेशन में। अगर आपके घर में कोई आपका बुजुर्ग आता है तो जस्ट आई रिक्वेस्ट यू, मेरा पूरा ग्रुप साक्षात हमको ब्लेसिंग मिलेगी। यस क्या अनम्यूट करो। या गुरुजी एक्चुअली माँ को पूरा पता है बट उनको ब्रीदिंग हार्ड हो रही है सब कहने के लिए। नहीं, नहीं, आदित्य का आदित्य ज्यादा कह दिया। नहीं नहीं वो सब ठीक है, आप चिंता मत करो। नमस्कार मम्मी जी, पूरा ग्रुप आपका स्वागत करता है और हम प्रणाम करते हैं जैसे पे द ग्रेटिट्यूड टू यू एज अ मदर एलिमेंट ऑल ऑफ आवर फैमिली। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड ग्लैड शी हियर। अरे यू गिव अपॉर्चुनिटी टू अस नॉट टू यू। आई आरती आरती इधर द लैपटॉप इज गोइंग टू बैटरी टू दैट्स व्हाई कॉल्ड अप द चार्जर फ्रॉम बस हो गया, ये बटन चालू कर लेना। चालू नहीं आरती देखते जाएगी मदद करें। आरती आरती हमें आरती जी दिख नहीं रहे हैं। आरती जी कहाँ गए यार? आरती जी कहाँ गए? ये बेटा हाँ ये मेरे 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 स्क्रीन हमारी ही स्क्रीन दिख रही है गुरुजी। अब देखो आप दिख रहे हैं। नमस्कार करो सभी ग्रुप परिवार को हमारे। दिखा अभी रिकॉर्डिंग में दिखा देना ना? अच्छा ओके ओके माने भी வந்திருக்காங்க அவரோட வைஃப் माने भी रिकॉर्डिंग है कामी के सो सो जस्ट सी सो आफ्टर मां से दर्शन करके कर्तव्य होने का मैं आपसे निवेदन है, जब भी आपके घर में कोई बुजुर्ग आता है जरूर एक वो प्लीज शो करना, उनको मिला के ज्वाइन करना कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। यस कोई बड़ा जरूरी नहीं कि ज्यादा बुरी, कोई बड़ा घर में उनको जरूर मिलेगा। हम लोग गुरु का आदेश मान के चलो, पहली बार आपसे कुछ मांग रहा हूँ, घर का कोई पेरेंट्स आए तो जरूर मुझे दर्शन करना। कल हमको और शिव पुराण और चंद्र को मिलेगी कुछ पल, शिवानी जी की नॉलेज में डाल दिया हमने। देखिए हर शब्द समझ में नहीं आया लेकिन आप चेहरे से भाव पढ़ सकते हैं। आज कितनी पीड़ा में है, मतलब इस एज में कुछ बीमारियों का दर्द भी साथ में लेकर जा रही है, कुछ अभाव का दर्द भी साथ में लेकर जी रही है, लेकिन पर भी शिव पुराण उस वक्त भी मुख से निकलता है, बोले शब्द हमको समझ में नहीं आया लेकिन चेहरे से आप आई कांट एक्सप्लेन इन द वर्ड्स। एंड वही साथ में देवी की मूर्त, साथ में माँ बेटी, क्या है, दिस आर द लाइव गॉड हियर एज पर मी। हमको ढूंढना नहीं जाना भगवान को, हमको हमारा ईश्वर हमसे देखना हो, ये चार्ज होते हैं हम लोग बड़ों को देख के। आई एम नॉट फीलिंग एनी सिंगल टाइप ऑफ डिफरेंस बिटवीन माई मदर एंड देम। कभी आपको लगेगा ही नहीं आप जितने इन्वॉल्व हो कि आपकी मदर नहीं है। ओके यस सर, तो हम आगे चलते हैं यात्रा में। शिवानी जी माधवी जी के फादर को हमने कंडोलेंस दिया और अलग प्रकार का दिया, RIP, ओम शांति। ओम शांति तो चलो वर्ड है कि शांति मिले, ये काम आप लोगों का है। आज कल दिन पांच दिन दस बारह दिन में एक बार व्यक्तिगत आप टच जरूर करें, कैसे हैं आप, क्या है, बढ़िया सब, बजाय ये कहने के कि भगवान शक्ति दे। ओके यस टीना बेटा, तेरी तबीयत कैसी है?
तू अकेली रहती है, तबीयत नहीं रहती थी। हाउ आर यू गुरु जी? मच बेटर, आपकी कृपा से। थैंक यू। खुश है बेटा, खुश है। रिंकू, शिवानी, वर्षा जी, ब्लेसिंग्स, अनिल जी, भारती जी, विश जी, वर्षा जी, पूनम जी, शिवानी जी, जया जी, मदर्स ऑफ ब्लेसिंग हमको लेना है। रिंकू जी, टीना जी, एलोवली जी, रागिनी जी, पंचल जी, तितिर, अनीस हजरा, सरोजनी जी, प्रतिभा जी, डॉली जी, कल्पना जी, रूपा जी एंड बासु जी, एलोवली जी। आज का समय था हमारा फ्रस्ट्रेशन। कौन बताएगा फ्रस्ट्रेशन क्या है? कम फॉरवर्ड, व्हाट इज फ्रस्ट्रेशन? ये सब एक ही चीज है, कनेक्टेड है, लेकिन इसका प्रदर्शन का तरीका आपने, कौन बताएगा? वेरी गुड शिवानी, वेरी गुड। आप ऐसे आगे बढ़ के आओगे तो हमें अच्छा लगता है। बोलो। हमारी इच्छाओं के अनुकूल चीजों का ना होना ही हमें फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। और एक बात बताओ, वेरी गुड, अच्छी बात। और एनीबॉडी वांट टू से मोर? बोले रूपा जी, पूनम जी। मुझे लगता है गुरु जी, जब हमें ऐसा भी लगता है ना कि जब हम सब प्रयास कर बैठते हैं और अब हमें लगता है कि इसका कोई आगे हमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तब भी हम कभी कभी इस वो फीलिंग भी जो जनरेट होती है, तो उसे भी मैं फ्रस्ट्रेशन ऐसे समझती हूँ कि जब मैं अपनी पूरी कोशिश करके भी किसी चीज को रिजॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि वो भी एक फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सुंदर बताया आपने। एनीबॉडी कम फॉरवर्ड यार, आज हम इनसे पूछते हैं। एनी हजरा कौन है? एनी हजरा, व्हाट इज फ्रस्ट्रेशन? जी प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बेटा, फ्रस्ट्रेशन क्या है? फ्रस्ट्रेशन मेरे ख्याल से जो लगता है कि हाँ, बहुत दिनों से कुछ कोशिश कर रहे हैं कि बहुत कामों में उलझे हुए हैं, लेकिन हम कुछ कर हासिल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हम जिस रास्ते से चल रहे हैं उस रास्ते से हासिल नहीं कर पा रहे, और वो मतलब उसी से मतलब हमारा जो प्रयास है वो टूट रहा है, दिल का जो जो कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश भी फेल हो रहा है, तो तब हम फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग, गुड। एनीबॉडी मोर वांट टू कम फॉरवर्ड? यस, हु कौन बात करने जा रहा है? कौन बोला? गुरुजी तितिर। प्रणाम गुरुजी। हाँ मेरी बेटा बोल। गुरुजी फ्रस्ट्रेशन मेरे को लगता है फुर्सत में जो इरिटेशन हो जाता है ना, वही फ्रस्ट्रेशन होता है। वेरी गुड। अब थोड़ा मैं अपनी तरफ से बताता हूँ, मैं मेरे ऊपर ही बताता हूँ, है ना। हाँ अच्छा, रागिनी तो बताया नहीं यार, रागिनी सजा मिलती भैया मेरे। हाँ रागिनी जी। प्रणाम गुरुजी। खुश है बेटा। अगर इच्छाओं का पूरा ना होना जीवन में, वो हमेशा फ्रस्ट्रेशन का कॉज होता है। जब आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, जो आप चाह रहे हैं जिंदगी से वो आपको नहीं मिलता है। और अगर कुछ लोगों को जल्दी हो जाता है कुछ लोगों को, बट वो वही है, इच्छाओं का अगर पूरा ना होना, या जो आप चाह रहे हो जिंदगी से, जैसा आपने चाहा था जिंदगी में वो नहीं मिलना, तो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। ओके, थैंक यू रागिनी, वेरी गुड, वेल सेड। एनीबॉडी मोर वांट टू ऐड इट? वाओ, विश, इंटेलेक्चुअल पर्सन, एवरीबॉडी इंटेलेक्ट। यस विश। एक्सेप्टेंस का अभाव फ्रस्ट्रेशन। वेरी गुड, क्या बात है, गॉड ब्लेस यू। ये कहना चाहता था, whenever you are unable to accept the circumstances, it's become a frustration. For example, you trust me, I am suffering from discharge to death, cough and cold, right? अभी खांसी आ रही है, तो गुस्सा आता है यार क्या, but I have to accept it.
आपका शरीर के द्वारा भी फ्रस्ट्रेशन होता है, परिस्थिति के द्वारा ही फ्रस्ट्रेशन होता है, जैसे आप लोगों ने बताया किसी के अनुरूप नहीं होता, हम एक्सेप्टेशन नहीं रहता है। मेरी दाढ़ में दर्द हो रहा है, बाप रे दाढ़, अरे यार मेरे को ही होना था, वी रिएक्ट लाइक दिस, यस नो, हाँ ना, अरे यार तुम यार चाह देख लो, मैं बात ही मत करूं, चुप, मैं तो बात ही करूं। दोज आर वेरी सिंपल पीपल्स, दे आर पेनलाइज ड्यू टू मी, ड्यू टू माई फ्रस्ट्रेशन। क्या है, अभी नहीं आ रहा, बात देगा होता है ना लाइफ में, मैंने थोड़ा एक करके बताया आपको, होता है ना, यस यार अभी प्लीज मुझसे बात मत कर, अभी यार मैं बाद में बात करूंगा। द फ्रस्ट्रेशन इज नॉट फॉर लॉन्ग टाइम, आफ्टर वन टाइम यू रियलाइज इट, द फ्रस्ट्रेशन एक सौ की बात है, केंद्री अनएक्सेप्टेशन फ्रॉम द सिचुएशन, और वो होना है, कफ कोल चढ़ना है मुझको, तीन दिन में ठीक होगा, तीन दिन में ठीक होगा, जब तक, लेकिन नहीं, मुझे तो अभी नहीं होना, अभी खत्म करना है। कोई दर्द हो रहा हो तो मैं जब तक डॉक्टर के नहीं जाऊंगा तब तक मुझे एक्सेप्ट करके रखना है, एंड मेरे दर्द से मेरे परिवार के दूसरे सदस्य परेशान हो, तो आपकी बॉडी की प्रॉब्लम भी आप में कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है, क्योंकि वो आपके हिसाब से नहीं चल रही है। कोई व्यक्ति रिलेशन अगर आपको मुताबिक जवाब नहीं मिला तो आप वो करोगे, जबकि उसको मालूम नहीं कि आपको क्या जवाब पसंद है। आप भले प्रिंसिपल से बात करो, उससे कि मैं प्रिंसिपल से बात करो, वही प्रिंसिपल, उसको मालूम ही नहीं आपके प्रिंसिपल क्या है, वो खाली फोकट में उससे बुरा मान के बैठ गए। इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ एटीट्यूड, मेरे एटीट्यूड से ही मैं सामने वाला मेरे साथ ये ट्रीट करे वो मैं वो रहूंगी। सामान्यता मेरे साथ होता है कभी तो मेरे परिवार में कुछ लोग ऐसे, बट दे आर ऑल्सो राइट ऑन देयर प्लेस, मैं उनको गलत नहीं बोलूंगा, वही 6-9 का लफड़ा, अरे मुझे नहीं मालूम भैया, यस। तो कभी भी अपने एटीट्यूड का सेम वो रेसिप्रोकेट नहीं मिलना भी एक फ्रस्ट्रेशन पैदा कर देता है। चेक करो अपने आप को, वो सामने वाले की गलती नहीं है, वो आपकी नहीं समझ पा रहा है, उसकी परिस्थिति क्या आपको क्या मालूम, यू आर एक्सेप्टिंग द एटीट्यूड बट ही सफरिंग फ्रॉम डिफेक्ट, कोई और तनाव में हो, आपको क्लियर हुआ थोड़ा बहुत, नहीं, यस yes। तो आपका एक प्रकार का यह भी विकार है, जिस प्रकार का अविकार आपका क्रोध का विकार होता है, ईगो का, ये भी है। हाँ बोलो, कौन है, पहचाना, मी भारती आहे, हाँ गंगराड़े, भारती गंगराड़े मंडलोई, बोलना चाहते हैं आप कुछ, हाँ नहीं मैं बहुत दिनों से लगाने का सोच रहे, पुराना नंबर जी, भारती जी हैं, भारती जी, नहीं आप भारती जी ऐसे बात क्यों कर रहे हैं, पहली बार बात कर रहे हैं, वो किसी और से बात कर रही हूँ शायद फोन पे, गुरु जी है बेटा, वो शायद किसी और से फोन पे बात कर रही है, ये कभी बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है, वी आर टॉकिंग समवन एंड वी आर कंफ्यूज, दैट्स अ प्लीज आई रिक्वेस्ट यू इफ यू वांट टू क्लोज यू जस्ट म्यूट योरसेल्फ। तो ये भी एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन है, अरे क्या बात है मेरे से बात बात, अब अगर मैं बात करता हूँ अपना बंद करके करा करो, एक ये भी फ्रस्ट्रेशन पैदा कर सकता है मैंने, इसको फ्रस्ट्रेशन अपने आप में लाने में वो सामने वाले की इग्नोरेंस मानो, वो गलत हो गया होगा, लापरवाही हो गई होगी उससे, यस हाँ या ना, हम सामने वाले की जगह अपने आप को रख के कभी नहीं देखेंगे, बस मैं हूं मेरी जगह में ही सब काम करे, ऑलवेज ईगो, आपका इमोशंस, आपके विचारों की लड़ाई, हो सकता है कुछ व्यक्तिगत हो, कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को, वस्तु को, परिस्थिति को, सामान्यतः किसी प्रकार का अपना व्यवहार वो व्यक्ति से नहीं मिले तो फ्रस्ट्रेशन आता, फ्रस्ट्रेशन की अधिकता क्रोध में बदल जाती है, फ्रस्ट्रेशन अधिक ज्यादातर आप अपने शरीर को ही प्रदर्शित कर पाते हैं, उसकी सजा आप अपने आप को ही देते हैं, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, नोबडी कैन अदर फील, हाउ यू कैन शो व्हेन योर फ्रस्ट्रेशन कन्वर्ट इन ईगो, गुस्से में आएगा तब वो दूसरे को बलगता है, इट इज ओनली मेन कॉज यूर अनएक्सेप्टेंस, आप एक तो अनएक्सेप्टेड मोड में हो,
उस चीज को, उस दर्द को, उस स्वभाव को, उस व्यक्ति को, उस परिस्थिति को स्वीकार करने में नहीं हूं। अगर आप स्वीकार कर ले बात ही क्या का फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन ऑल्सो इज अवर पेनलाइज। ये जैसा आप लोगों ने कहा, तीतर ने कहा, रागी ने कहा, आपकी पसंद की इच्छाओं के हिसाब से काम नहीं होना। अरे भगवान ने ठेका ले रखा है कि आपका सब इच्छा पूरी करने का, हाँ है ना? आप बताओ, वहां जाके ओलंपिक के फाइनल में जाकर हार जाते हो और जोर जोर से मुक्के मारते हो, अरे मैं हार गई, हाँ वो चिल्लाते हो टेनिस वाले। आप कम से कम बोलो आपको उसने फाइनल तक तो पूछा है। वी फॉरगेट, हमें तो हमारे हिसाब से गोल्ड मेडल हमें ही चाहिए था। ठीक है, ओके। तो स्पोर्ट्समैन स्प्रिट ऑलवेज ब्रिंग योर फ्रस्ट्रेटेड का खत्म करती है। अगर आप में स्पोर्ट्समैन स्प्रिट है, अगर आपका बच्चे की जगह दूसरा मार्क आ गया, आप खुश हो गया, बढ़िया, कोई बात नहीं। अरे मैं अंतर है क्या इस बच्चे मेरे बन, लेकिन वह एक्सेप्टेंस हम नहीं ला पाते। मुझे मालूम है एक्सेप्टेंस, मुझे सर्दी खांसी हो रही है, कभी कभी गुस्सा भी आ रहा है, सबके सामने हो रही है, क्या हो तो क्या प्रॉब्लम है? अपन अज्ञात है कि मेरे को सर्दी खांसी हो ही नहीं सकती, गुरु जी है वो तो, कोई बाकी जितने गुरु जी बीमार पड़े आप देखो जाके, इस शरीर बीमारी का होता रहता है। कुछ पेक्ष हो गया कभी ले ली गोली, कब कौन हो जाएगा दो दिन में ठीक। तो आपको जब भी फ्रस्ट्रेशन में आए, कोई इच्छा मुख्य, कोई अकेलेपन का फ्रस्ट्रेशन, अरे क्या करूं, गुस्सा आए अपने शरीर की बीमारी से, अपने रिश्तों की परेशानी से, है ना, और किसी व्यक्ति के एटीट्यूड से, सामान्यतः पांच एक चीजें हैं जो आपको फ्रस्ट्रेटेड करती है, अपनी अनसक्सेस। आई रिस्पेक्ट माई सन, मेरा बता चुका हूं मैं आपको पहले भी, तो उसके इंटरव्यू में उसने पूछा, ये थर्ड अटेम्प्ट का फोर्थ अटेम्प्ट में उसने ऑल इंडिया रैंक बनाई, वो उसने पूछा, ही इज वेरी स्मार्ट, तो उससे पूछा इंटरव्यू लेने वाला ने कि यार आप इसे कैसे आए, आपने ऑल इंडिया रैंक कैसे बना ली? बोले सर आप इसके बजाय मुझसे पूछे हाउ यू हैंडल योर फेल्यूर, हाउ यू हैंडल योर फेल्यूर, अपनी असफलता को हैंडल करना सफलता से ज्यादा कठिन है, समझे ना? और यह चीज कब होगी, जब आप में एक्सेप्टेंस आएगा, भाई मैं फेल हो गया तीन बार, दूसरी बार हाँ यार मेरे से बात करी उन्होंने, पहली बार मैं इस कारण से फेल हुआ, दूसरी बार मैं इस कारण से फेल हुआ, तीसरी कारण में ओवर कॉन्फिडेंस फेल हो गया, चौथी बार ऑल इंडिया रैंक बना दी, आठवें नंबर की नौवे दसवें नंबर क्या रैंक, एंड आई नेवर एक्सपेक्ट ऑल इंडिया रैंक फ्रॉम हिम, स्पेशली आईपीसीसी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कहता हूं, आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग हिज माय सन बट आई एम अप्रिशिएटिंग हिज एटीट्यूड। मैंने कहा बेटा आज से तेरे से कोई शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि बाप को तो बच्चों में त्रुटियां दिखती ही हैं, आपके घर में भी कहीं है ना, करते हैं उनकी लाइफ है, उनको रहने दो आप, वो सब अपनी असफलता होना इतना जरूरी नहीं है, अगर आप अपनी असफलता से कुछ सीखो नहीं। की पंच, असफल होना इतने बड़े दुख की बात नहीं है, सबसे बड़ी दुख की बात है कि आपकी असफलता से आपने क्या सीखा, सिंपल। तो कभी कभी हम हमारे विकार आते हैं, जिस पर हमने चर्चा करी इस हफ्ते पूरा, कि हमारे विचारों से परेशान रहते हैं, उन ये सब की जड़ आखिरी में एक एक्सेप्टेंस पे आके रुक जाती है। बड़े बड़े आध्यात्मिक संत में कितने 10 दिन का कोर्स कर लो, वो आखिरी में दो चीज सीख के आओगे वहां से, एक्सेप्टेंस एंड लिव इन प्रेजेंट। इसके अलावा तीसरी चीज मुझे बता दो कोई लिख क्या है। आपको अगर सुख रहना है, अगर आपको तनाव मुक्त रहना है, आपको आरोग्य सहित रहना है, आपको मुस्कान सहित रहना है, तो दो चीज लाइफ पर ध्यान रखो, लिव इन द प्रेजेंट एंड बी इन द एक्सेप्टेंस मोड। कोई विधों का पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं, संस्कृत पढ़ने वो सब ठीक है, वो आपकी शांति मिलती है, लेकिन अगर आपको मस्त रहना है, खुश रहना है, उनमें जो मांगता हूं हमेशा स्माइल, आपसे स्माइल में रहना, एक्सेप्टेंस एंड लीव द प्रेजेंट। अरे गुरु जी
कल मेरे बेटी का एग्जाम होने वाली है, एक मेरी वो है दीप्ति, अरे सुनो अभी इतने टाइम से ट्राई कर रही मेरी बच्ची कॉम्पिटिशन में, अभी तो भैया करे ही दो ना इनको। आई थिंक दे आर द इलिटरेट पीपल। उस बच्चे को बच्चे को बैसा के दे रहे हो आप। गुरु जी से हीलिंग ले ले, मैंने मना कर दिया, आई नेवर हील द बुक, बच्चों को नहीं करूंगा मैं, और आपके लिए भी आपको नहीं करूंगा मैं, डांट दिया उनको, डांट दी मतलब मैंने अपने हिसाब से बेटा बच्चों को डिसेबल क्यों कर दिया। हाँ यस इज ए प्रेयर यू कैन टेक, कॉम्पिटिशन में आ जाए, दूसरे बच्चे क्या जीरो है, दूसरे बच्चे नहीं जीते ये प्रार्थना करूं क्या मैं, कि तेरा बच्चा जीते यही प्रार्थना करूं, पर तेरा बच्चा अच्छा परसेंटेज अच्छा अपना काम है, सिंपल। आप सहमत है मुझसे, हाँ या ना, स्किप द थिंग, एक्सेप्टेंस, लिव इन द प्रेजेंट, सिंपल। कल का तना आवाज जेल के रख रही, मेरे को तो घबराहट हो रही गुरु जी, काय की घबराहट हो रही, और मैं तो बनू अभी एक आई अप्रिशिएट, एक लेडी आती थी हमारे ग्रुप में पहले, आई वुड नॉट कोट द नेम, आई वॉज टारगेटिंग हर, बी एज अ वाइफ बी एज अ मदर, डोंट इन्वॉल्व यूर सिस्टर रिलेशन यूर ब्रदर रिलेशन, मेरे मैं बेटी हूं मैं पिता हूं, उनको जरूरत लगे बराबर हाजिर है, अपनी जरूरत बन के अपने को सस्ते नहीं बनना किसी के जीवन में। एक टाइम बाद मैं बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, आपके भाइयों का परिवार या मेरे भाइयों का परिवार किसी और का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता है, नॉट फील गुड, व्हेनेवर आई ऑलवेज फॉलो इट, व्हेनेवर एनी प्रॉब्लम्स कम दे गिव मी कॉल इमीडिएटली आई सॉल्व इट, हिसाब से करो। मैं मेरे बच्चों को मेरे हिसाब से नहीं चला पा रहा हूं तो मैं क्या सोचूं मेरे भाई के बच्चे मेरे हिसाब से नहीं, इसका भी फ्रस्ट्रेशन नहीं, जैसा है वो आप दीजिए उपयुक्त है परफेक्ट है, उसमें क्या खूबी है ये आपको आज नहीं मालूम पड़ेगा, एक वक्त में मालूम पड़ेगा। यस यार आप लोग चुप रहते हो, समझ में नहीं आता कि आप लोग समझोगे। यस वेरी गुड, आई अप्रिशिएट, आई विश अप्रिशिएट विश हाउ ब्यूटीफुली रिप्लाई द एक्सेप्टेंस, एंड वो पूरी फॉलो करता बात को, ओके मैं सभी करते हैं, सनी मैं एक नहीं बोल रहा बाकी सभी करते हैं, बट विश वेरी गुड। तो एक्सेप्टेंस एंड बीट प्रेजेंट, स्वीकार भाव वर्तमान भाव डिवाइन एस्ट्रो हीलर का अंग है। Is a part of life, acceptance and being present. ये दो चीज आपने साथ ली ना आपका जीवन देखो। मेरे को कैंसर हो गया और क्या बताऊं मेरे को कैंसर हो गया थर्ड स्टेज, वो तो रोना हो भाई कहा, आपने करा क्या कैंसर, आपने हो गया चलो ठीक है, डॉक्टर से मिलेंगे अलग अलग प्रकार की दवाई लेंगे योगा प्राणायाम करेंगे लड़ने की कोशिश करेंगे, जब चाहे जब बुलाना बुला लेगा। आप नहीं जानते मेरे ऊपर क्या बोल रहे गुरु जी, माँ सिस्टर है तो कैंसर और मैंने क्या क्या, और मेरे बच्चा 2 साल से फेल हो रहा, वो उन दोनों को परेशानी है उनके कर्म यात्रा खुद को ले अपने ऊपर ले बैठी, इसको मैं मूर्खता कहूंगा, इसको अटैचमेंट नहीं कहूंगा। कोई बीमार पड़ा है कोई वो है तो उस वक्त आप चिंता कर लो, उसके आप टूल बनो जिसके लिए आप बोलो, फॉर एग्जाम्पल मेरे परिवार में किसी को कैंसर हो गया, उसकी चिंता करने के बजाय मैं उसकी बीमारी में वो नहीं काम कर सकता, मैं क्या मदद कर सकता हूं, मैं इस पर दिमाग लगाऊंगा बजाय दूसरों को चिंता करके रोपित करने के। हाँ ना समझे ना, बहुत हो गया नॉलेज ज्यादा बता दिया गुड। अरे आप सब लोग डायमंड हो, मैं तो आपके डायमंड का डी एबीसीडी समझा रहा हूं आपको, और यहां पर यहीं पर हेलो गुरु जी, हाँ बोलो कैसे हो बेटा, बढ़िया, वो मेरी छोटी सिस्टर को कैंसर हो गया है, सा कैंसर हो गया कैसे, अपन ने कितने कैंसर के पेशेंट ठीक करे, चिंता मत करो ठीक हो जाएगी वो, चलो यहां तक ठीक है, फिर वो उपाय की कहानी चालू होती है, ये पैसे भेज दो, तुम होते कौन यार 5 तत्व शरीर को बचाने वाले, उसकी वेदना कम करो, और मैं बताऊं झूठी उम्मीद भी नहीं देना, अरे चिंता मत करो अर्जेंट ही हो, एक हद तक उसको केवल एक्सेप्टेंस मोड में लाना, तब तक आप बोल सकते हो अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये भाव रखना सब कुछ, अगर वो नहीं भी रही तो भी सब कुछ ठीक है। अटैचमेंट देता 5 तत्वों से, अपना खून है अपन बचपन से भरा हुआ है, कोई भी हो किसी
अरे मैं तो अपन तो वो ब्लड वाले कि अगर गली का स्ट्रीट डॉग को कहीं लगती है खून बहता रहता तो हम लोग रोने लगते हैं, उसका दर्द हम समझते हैं, तो फिर अपनों का दर्द क्यों नहीं समझेंगे। लेकिन उसको दर्द को प्रदर्शित कैसे करना, कोई आपका यूज नहीं करे उस जो भी आप प्रेजेंटेशन, बस सिंपल। और आप में पावर है, अगर कोई समस्या आपके पास आती है उसको सुलझाने की ताकत आप में है, तभी आपके पास आई है के माध्यम। और उसके लिए दो टूल, एक्सेप्टेंस एंड बी इन द प्रेजेंट। फ्रस्ट्रेशन, क्रोध, विचारों की लड़ाई, भावनाओं की लड़ाई, मेरी बेटी को बेटा, ये तो जिंदगी का अंग है भैया। जितना आप एक्सेप्टेंस से रहोगे उतनी अच्छी तरह उस सिचुएशन को आप हैंडल कर चुके। फाइनल लास्ट नाउ थ्री क्वेश्चंस, एनीबॉडी कोई मेरी बातों से प्रश्न उपज जाए, किसी के मन में ऐसा लग रहा है कि मैं सही नहीं बोल रहा हूं, यू कैन आस्क मी। यस रूपा, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes. What I want to ask you is, what is the difference between acceptance and giving up? Huge difference. Giving up means you are not taking the responsibility to heal the world. Usko aap theek karne ki koshish nahi karo, give up kar diya. And when you accept it, you took the responsibility to heal or to cure that thing. आपका कहना है रूपा जी का कि हिम्मत हार जाना, गिव अप कर देना और स्वीकार भाव में क्या अंतर है? आप सिर्फ ध्यान रखें, एक्सेप्टेंस आप गिव अप करने के लिए नहीं कर रहे, गिव अप तो कोई भी कर सकता है। आई नेवर से कि एक्सेप्टेंस के बाद यू बिकम ए न्यूट्रल। पता लगा कैंसर हो गया, उसका इलाज आप अच्छी तरह सोच सकते हो बजाय वो पीड़ित आदमी। ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इन दैट केस द सिचुएशन, इफ यू गिव अप इन दैट केस सिचुएशन इज बिगर देन यू, एंड इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस यू आर बिगर देन सिचुएशन। गॉट इट रूपा? Yes, but what I want to ask is, if you cannot change something and you say, okay, I accept, I can't change. Only you can change your attitude. You can change your attitude without give up, convert in acceptance. And after acceptance, if you're unable to do it, then you can give up to the divine. मैंने सोचा heal करूंगा, मैं कभी नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता। अगर कोई समस्या मेरे पास, any problem come, I will heal. If I unable to do it, then can say I cannot do it. But I will keep in my prayer. अगर पहले ही आपने हथियार डाल दिया तो मतलब नहीं ना। Don't give up. Give up, I don't like anybody give up. You give up after the acceptance. My dear, don't feel any type of, आपको give up का position नहीं आएगा। Got it, Rupa? Anything more you want to ask? Are you satisfied? But there is a time when you do give up. Even after trying and trying. Achha, just I'm saying the give up and acceptance. First acceptance, then give up. Okay. May be possible if you acceptance, may be possible not create a give up position. You will, after acceptance, you try till the last breath. Karam kiye ja phal ki chinta mat kar insaan. Don't expect a result from your acceptance. It is good result only that you can be healthy, smiling. And then other pain cannot give disturb to you. Agar ek doctor अपने सबके पेन ले ले अपने ऊपर, एक्सेप्ट करते चले, एक्शन तो लेगा ना एक्सेप्टेंस के बाद, आखिरी सांस तक हिम्मत नहीं छोड़ता वो, यू फील लाइक दैट। ओके रूपा, ग्रेट, ओके, थैंक यू। एनीबॉडी मोर वांट टू आस्क? क्वेश्चन मास्टर रागिनी जी। गुरु जी, लेकिन एक्सेप्ट करो या मत करो, जो सिचुएशन है वो तो है ही, तो इट्स काइंड ऑफ, जब वो कंटिन्यूस लॉन्ग टाइम के लिए शुरू होनी हो जाती है, आप बार बार उसको सोचते रहते हो, तो फिर उसके बाद लगता है कि तो एक थिन लाइन है बहुत एक्सेप्टेंस और गिव अप के बीच में, कि जब आप करते रहते हो कोशिश और जो भी आपका काम पूरा नहीं होता है, बाद में आप बोलते हो अभी छोड़ देते हैं, जाने देते हैं, अभी
तकदीर, क्योंकि बोलते हैं कई बार, मेरी मदर इन लॉ हमेशा बोलती थी ग्रह चक्कर है, जब वो ठीक होंगे तो सब ठीक होगा। तो फिर वो एक्सेप्टेंस और गिविंग अप कहीं ना कहीं मिक्स मैच होने लगता है, आप सॉर्ट ऑफ गिव अप ही करने लगते हो कि अभी अब तो हो गया, अब जो है वो है। मे भी हो सकता है जिस सिचुएशन को आप गिव अप कर रहे हो सकता है उस सिचुएशन को टीना बेटी वो गिव अप वाली मोड में नहीं आए। इट्स अ डिफरेंट डिफरेंट पर्सन ऑन द डिफरेंट डिफरेंट कैपेबिलिटी। एक व्यक्ति 10 किलो उठा सकता है, दूसरा किलो 50 किलो उठा सकता है, बट व्हाई यू आर थिंकिंग टू गिव अप इन योर एक्स द लैक ऑफ परसेंटेज इन द एक्सेप्टेंस। आप जब कोई भी चीज को एक्सेप्ट करोगे, फॉर एग्जाम्पल शो मेनी सिचुएशन, मैं आपको बताता हूं, मेरा बच्चा ड्रिंक करता है, ठीक है ना, मैंने कोशिश करी या तो दो चार चमाचे मार दूंगा उसको, है ना, और मारूंगा, लेकिन मैं एक्सेप्ट करूंगा कि मेरा बच्चा शराब पीता है, क्यों पीता है, मेरे लालन पोषण में क्या कमी रही, बता लेके मैं कितना क्वालिटी ऑफ टाइम देता हूँ उसको, नंबर वन, इसके आसपास के दोस्तों से कितना टच में रहता हूँ, नंबर टू, नंबर थ्री, अगर बाय चांस मैं क्या कर सकता हूँ सिचुएशन में, मेरा बट्टा शराब पीता है, मैं मारूंगा, चार चांटे खा लेगा, सॉरी सॉरी कह देगा, अगले हफ्ते बाद फिर भी क्या आएगा। आई डोंट गो टू स्कोल्डिंग, आई एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मोड करूंगा, उसके बाद मेरी रिएक्शन चालू करूंगा। मेरा पूरा विश्वास है अगर मैं उसके रूट कॉज तक गया, हो सकता है वो अकेला रहता है, जो ड्रिंकिंग टाइम है उस टाइम में उसको अपने साथ इन्वॉल्व कर लूंगा, यार बेटा चल मेरे पापा के साथ चलना सास साथ, स्पेशली जो टाइम उसका ड्रिंकिंग का टाइम है। माय डियर रागिनी, न जाने कितने लोगों की शराब छूटी, ये तो मैं एक हैबिट में आता हूं, नेचर बिटी हुए, आपको भी अपना देना पड़े, एक्सेप्टेंस करके मतलब नहीं, एक्सेप्टेंस के बाद आपकी रिएक्शन आपको करना है, विदाउट एक्सेप्टेशन आप रिएक्शन करोगे तो फ्रस्ट्रेशन ही आएगा, क्रोध आएगा, एक्सेप्टेंस करके रिएक्शन करोगे, बात खत्म। और मासी जी को कैंसर हो गया, ओ परेशान हो, नहीं मासी जी कैंसर हो गया ठीक, कौन सा स्टेज क्या सेकंड, ये आपका एक्सेप्टेंस आता है सिचुएशन को, आपको या तो पर्सन हो या कोई थिंग हो या सिचुएशन, आप बोल क्या बोल रही तुम बोल बेटा। लेकिन गुरुजी जैसे आप कहते हैं कि सबके अपने अपनी यात्रा है जिंदगी की, जैसे बच्चों की अपनी यात्रा है, तो आप उसमें कुछ ज्यादा उनका दर्द कम कर सकते हो, उनको प्यार कर सकते हो, उनको कडल कर सकते हो, बट उनकी जो जो उनकी अपनी यात्राएं हैं, उन सब लोगों की, आपके रिश्तेदारों की, आपके पहचान वालों की, उनकी सबकी अपनी अपनी यात्राएं हैं, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन तो है ना कहीं हम लोग का कि वो पेन में है, क्योंकि हम तो कुछ, हम ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसको हिम्मत दे सकते हैं, बाकी उसकी जैसे आप बोलते हैं कि उसकी अपनी यात्रा है, वो एनर्जी सर्कुलेट मत करो कि मैं चिंता कर रही हूँ फिर मेरी नेगेटिव एनर्जी उसकी तरफ जा रही है और वो हम सर्कुलेट करने लगते हैं, तो आप उसको खाली हिम्मत दो उससे लड़ने की, और वो उसकी अपनी यात्रा है, उसके अपने ग्रह है। रागिनी तुम सेकंड सिचुएशन कर रही हो, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेप्टेंस, हम एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहे किसी समस्या दूर कर देंगे, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग, लाइक हमें करना है कि भाई ऐसा हो गया है, अब हम क्या कर सकते हैं, ये सेकंड इशू है, यू आर टॉकिंग अबाउट सेकंड थर्ड, मैं तो एक्सेप्टेंस पे आ रहा हूं, सेकंड वाले में क्या करोगे आप, कैसे करोगे, तो अवेयरनेस के साथ करोगे आप, और वही रिएक्शन अगर बाय चांस विदाउट एक्सेप्टेंस के आपने करी तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन लेके आएगी, चिंता लेके आएगी, इस पांच तत्व के शरीर को डिस्टर्ब करेगी, और एवरीबॉडी नो किसी के भी क्या है, जो भी यात्रा उसकी है, उसकी यात्रा से अपने को तकलीफ नहीं हो, आपका शरीर पांच तत्व को डिस्टर्ब नहीं हो, इसके लिए एक्सेप्टेंस बोल रहा हूं मैं, आप मुक्त हो जाओ उसके, ये मान करके उसकी यात्रा है, मैं उसको डॉक्टर बनकर ठीक करने वाले मोड में थोड़ी आ रहा हूं, ऑटोमेटिकली यू विल गेट द क्वेश्चन आता है इफ यू आर इन एक्सेप्टेंस मोड एंड इफ यू आर इन द प्रेजेंट, फिर अगर और यार ऐसा हो गया तो आगे ऐसा हो जाएगा, या नहीं अभी वर्तमान में मुझे पता लगा कि इसको प्रॉब्लम है, मेरे को क्या करना है, अभी करूं एक घंटे बाद मेरे काम में लगी, मेरे हस्बैंड का खाना बनाना वो करके बाद में करूंगी, ऐसा आपको बनना पड़ेगा, इस केस में आप इस फ्रस्ट्रेशन ईगो क्रोध से दूर रह सकते हो। ओनली टू थिंग्स, बड़े से बड़ा साधु महाराज आ जाए मुझे बता दे कोई, एक्सेप्टेंस एंड लिव इन द प्रेजेंट से अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है,
और यह केवल आप ही कर सकते हैं, ये ना कोई जादू से सीख सकता ना कर सकता है। अब उसके साथ एक्सेप्टेंस के साथ आप सिखाने भी लगेंगे, बात अलगेगी कि आपको हीलिंग देने लगो, आपको लगो, लेकिन हीलिंग भी दो तो बगैर एक्सपेक्टेशन भी दो कि मेरी हीलिंग ठीक हो जाएगा। नहीं भैया, मैंने कर्म करा, मेरे को पता लगा कि अनिल की तबीयत ठीक नहीं, अनिल को बुखार आ रहा, मैंने अनिल के लिए प्रार्थना करी। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे बुखार अनिल बुखार ठीक हो गया कितना, मैंने तेरे को हील करा था ना। इफ यू आर एनी रिएक्शन अलॉन्ग विद द एक्सपेक्टेशन मे बी पॉसिबल समटाइम इट फुलफिल, कभी नहीं होगा तो टेंशन आता। आई नेवर क्लेम इट, आई माय होल लाइफ कभी क्लेम नहीं करूंगा कि मेरे हाथ से ये हो गया, ये बड़े बड़े काम हो गए, नहीं मैंने किया ही नहीं। आई ट्राइड, मैंने अपना हीलिंग दिया, फल देने का काम उसका, सिंपल। बट मैं एक्सेप्टेंस मोड में था, मैं प्रेजेंट मोड में था, मेरे पास कोई समझ पे आया मेरे सामने कि गुरु जी मेरे को दिक्कत हो रही है, मेरी आंखें बंद कर बेटा वहां पर ध्यान ले जा, मैं भी प्रेजेंट मोड में था, नहीं छोड़ रिजल्ट उसके हाथ में। तो आपको यही करना है, ना आपको डॉक्टर बनना है, ना आपको हीलर बनना है, आपको तो बस एक पात्र बनना है जो स्वीकार भाव के साथ वर्तमान भाव में रहते हुए उस सिचुएशन को हील कर सके, सिंपल। गुड, आई होप कोई क्वेश्चन राइज नहीं होगा, तो हो रहा है राजी नहीं तेरे को, बोल बोल, प्रश्न कभी नहीं दबाते बेटा। गुरुजी फिर लेकिन बच्चों को तो हम बोलते हैं ना ऐसा कि अच्छा मैंने ये कर दिया ना बेटा आप ठीक हो जाएगा, तो वो नहीं करना चाहिए क्या? बेटा आप उसको आश्वासन ही दे रहे हो ना, एक है ना, आप बोलते अच्छी पढ़ाई कर ले तो इंजीनियर बन जाएगा, तो डॉक्टर बन जाएगा, बनता है क्या वो इंजीनियर डॉक्टर? क्यों बोलते हैं आप? इट्स ओनली फॉर द मोटिवेशन, आप उसको इनकरेज कर रहे हो, आप इसको नेगेटिव मोड मत ले, इसको पॉजिटिव मोड में लो। मैं बोलूं अरे बेटा तू तो इंजीनियर बनेगा, नंबर वन टॉप इंजीनियर बनेगा, क्या सब बन जाते हैं बच्चे? ये तो डेस्टिनी का खेल है, वो तो होना है तो हो जाएगा। चल बेटा हील करा मेरा, होगा ठीक, बस खत्म। होगा ठीक ये बोला आपने, लेकिन हो ही जाएगा थोड़ी बोल रहा हूं, हो ही जाएगा ये भी बोलते तो कोई गलत नहीं, आपने रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं करा, हो सकता हो ही जाएगा एक वाणी उसकी सुन के वो वाकई ठीक हो जाए, मगर आपको कर्ता भाव नहीं लेना, यू डोंट बिंग एनी टाइप ऑफ कर्ता भाव, भले आपका बच्चा हो बेटी कोई हो। चलो गॉट इट रागिनी, क्लियर हो गई? नहीं, लेकिन गुरु जी फिर ऐसे क्यों सोचते बोलते हैं कि पॉजिटिव सोचो तो सब पॉजिटिव होगा? होता ना पॉजिटिव, बताओ कौन सा नेगेटिव होता तेरी लाइफ में, बताओ? बहुत बारी होता है, वो तो डेस्टिनी है क्या? पॉजिटिव पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव होगा, ये मान के चलो आप, क्योंकि वाइब्रेशन डिवाइन में जैसे भेजोगे वैसे ही रिजल्ट मिलना है। लेकिन कई बार कर्मा के कारण अच्छा भी मिल जाता है। अब आप लाख रूप सोचे नेगेटिव डायरेक्शन सोचो, आप तो बोले ये आदमी मर जाए, खूब छोड़ो आप भेजो, वो तो उसके घर में आता है यार। कोई बाल बाल में कई लोग उससे बात करते हैं, वो ब्रेक म्यूजिक कर दिया, वो काला जादू कर दिया, उन्हें जानते वो घर के सामने लाल ध्वन, अरे होते कौन है यार वो करने वाले? अगर वो उनकी छोटी मोटी क्रियाओं से अगर आप केवल आपका डर करता है, वो ब्रेक म्यूजिक कर दिया मेरे ऊपर, ये कर दिया, वो नेगेटिव बात तो बड़ी अच्छी तरह याद करते तो आप, अरे मेरी जेठानी ने मेरे पे करा गुरु जी को, बड़ा रस लेके बात करते हो आप, और अगर आपने कोई अच्छी बात बोली उसको रस लेके क्यों नहीं बोलते? बिकॉज इट्स अ नेचर ऑफ अवर मेमोरी, नेगेटिव को इलोबरेट करेंगे, पॉजिटिविटी को कभी इलोबरेट नहीं करेंगे। व्हाई वी आर हियर टू इलोबरेट द पॉजिटिविटी, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, आपके मुताबिक हो रहा वो भी अच्छा हो रहा है, आपके हित में हो रहा आपको नहीं मालूम क्या है। फिर बात करूंगा, बच्चा चार साल का जा रहा है आपके साथ में, वो आग पकड़ने दे रहे आप रो रहा है, आप पकड़ नहीं दे रहे, आपको मालूम है उसका हित कायम है, उसको नहीं मालूम। तो कई सिचुएशन में जो आप चाहो हो जाए वो आपकी इच्छा, जो आप चाहो ना हो प्रभु की इच्छा। एबल टू एक्सप्लेन? यस, ओके, माय गॉड, सब लोगों ऐसे उदास चेहरे हो गए, बोले कब खत्म हो सेशन? वडिंगो पूनम बासो कैसा है बच्चों? बसो तो अनम्यूट करो अपने आपको। ठीक हो गुरु जी? मम्मी की तबीयत कैसी है? ठीक है, ठीक है गुरु जी। कंचन ओके, वेरी गुड, कॉन्फिडेंट देखो आपको कंचन में, सबको बूस्ट अप रहना ऐसे ही यार,
छोटी मोटी चीजों के आगे क्यों पढ़ना है। अब आप देखो जया जया हाउ शी इज, चलो ओल्ड एज मदर को बात करो, बोल एक मिनट मेरी बात कंप्लीट करो फिर बोलना। अब आप बोलो आप कैसे वो कर रही है, पर भी उसको ऊर्जा के साथ माँ को ले ही सेशन में ले क्या, ये अमर हो गया काम। बोल बेटा बसो। हाँ, आप जो टॉपिक ये बोल रहे थे मैं सुना पूरा, इस टॉपिक में रह के भी आप जो बात बोले, गीता का जो बोलता है कर्म किए जा फल की आशा मत कर, तो लॉर्ड कृष्ण एक जगह में बोल रहे हैं कि जो जो रिलेशनशिप आपके जिंदगी में, व्हाटएवर द रिलेशनशिप इज कमिंग इन योर लाइफ, कोई भाई कोई बहन कोई फादर मदर या दोस्त लोग, आप जब उम्र होता है आपका कॉलीग्स फ्रेंड्स जो भी हो आता है, तो एक एक करके आपके लाइफ में आप जैसे बोलते हैं ट्रेन का स्टॉपेज जैसा है, एक एक करके सब दूर चला जाता है, एक टाइमिंग के बाद सब चला जाता है, ओनली आपका कर्म रह जाता है। तो कर्म ऐसा चीज है जो आपके मरने के बाद भी रह जाता है, तो उसके हिसाब से मैं इसको रिलेट किया पूरा डिफरेंट तरीके से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बसो। Ah, now we got a sister, Jaya ji ki sister bhi saath mein. Yes, Guruji, my sister is here too. Yeah, we are here. Sarvapratham, main aapko namaskar karta hoon. Aur aapko bade bade bhagyashali bolta hoon. Jaya to abhi mummy ka khyal aap rakhti hai. Mujhe Jaya se pata lagta rehta hai, mummy ka khyal aap rakhti hai. Really, aap badi bhagyashali hai. Ki saayu mein maa ka khyal rakhna hai, puja se badke koi dusra kaam nahi. Main aapko naman karta hoon sabki taraf se. क्योंकि जया बड़ी चिंतित रहती वहां से, लेकिन कहीं ना कहीं रहता बोले, लेकिन पर भी आपकी हमेशा अप्रिशिएट करती, बोले वो सिस्टर ही है मेरी जो वो देखती मम्मी के पास में। आप वही रहती ना, आप मम्मी के पास रहती ना, क्यों जया जी? हाँ, चलो नहीं थोड़ा दूर रहते हैं। हाँ दूर मतलब दूर में रहते हैं गुरु जी, मतलब टू एंड हाफ आवर्स जर्नी। हाँ तो इज ओके, पर आपसे पास में ना, हाँ 18 घंटे की जर्नी फ्लाइट की, तो घंटे तो आप पहले ध्यान रखते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं ना, नहीं पर हमेशा अप्रिशिएशन मिलता है आपका मेरे को, सिस्टर है मेरी, देखे सिस्टर को फोन लगा देखो, आप बड़े भाग्यशाली इस उम्र में माँ को इस प्रकार रख रखा है आपने, और शिवप्राण का वी आर वेरी ब्लेस्ड टू सी यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ध्यान रखे, माँ का ध्यान रखे, नमस्कार। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू ऑल, नाइस। सो टू आज फिर नॉलेज में बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा एक बात बताओ, मैं कभी कभी लंबा सेशन हो जाता है, ये इज गुड फॉर एवरीवन ना, आपको लगता है कुछ हफ्ता को मिल रहा है? हाँ गुरुजी, अच्छा लगता है। हाँ, मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा हूँ मुझे, लेकिन पर भी डिस्कशन होकर जो नया नॉलेज निकलता है वो नॉलेज यही है, कोई भी चीज सेशन गुरुजी इंटरैक्टिव सेशन होता है तो अपन अच्छा नॉलेज मिलता है कि लोगों का क्या नो राय है एंड व्हाट आर द क्वेश्चन, बिल्कुल कंटिन्यू एंड हाउ इंटेलिजेंट हाउ द क्वेश्चन आस्क बाय रूपा गिव अप एंड एक्सेप्टेंस हाउ रागिनी क्रॉसिंग मे बी पॉसिबल, आपको लर्न हो रहा नहीं है, आप भी एक एक प्रश्न, वी लर्न फ्रॉम देयर, यू लर्न फ्रॉम देम, यस यू कैन सो टास्क एनी क्वेश्चन, या एग्री, डोंट फील दैट मेरे को इस क्वेश्चन, और अगर ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन का जवाब मैं अच्छा दे सकते हूं गुरुजी से, यू आर मोस्ट वेलकम गुरुजी, मैं इस बात आप स्वतंत्र है, कहीं है सोचा गुरुजी को बुरा लगेगा, मैं आप जैसा एक पार्टिसिपेंट हूं बस, ओके चलो आज लाइट हो गया, टाइम हो गया, दोनों हाथ ऐसे करें ऊपर नीचे आंखें बंद, होल अटेंशन ऑन द नोस्ट्रल्स, दोनों नोस्ट्रल्स पर अपना ध्यान, दोनों नोस्ट्रल्स द फ्रंट टिप ऑफ योर नोज, एंड ऑफर द शावर फ्रॉम योर थर्ड आईज, लंबी लंबी गहरी श्वास थर्ड आईज से अपने टिप ऑफ द नोज को डालें, इंक्रीज द स्पीड,
अगर मुझे कोई दर्द है शरीर का, मुझसे ज्यादा दर्द महसूस कर रहा है मेरा शरीर का वो अंग, उस अंग को ब्लेस करें। इफ यू हैविंग अ शोल्डर पेन, रिस्पेक्ट योर शोल्डर, ऑलवेज हेल्प यू। बट व्हेन ही इज इन ट्रबल, हेल्प हिम, डोंट फ्रस्ट्रेट। क्लोज योर आईज, एक्सहेल द ब्रेथ टुवर्ड द शोल्डर, आई एम श्योर यू विल गेट द रिलीफ। Now one again from third eyes to your tip of nose को shower करें, third eyes से लंबी गहरी श्वास भरते रहे, third eyes से shower करेंगे nose की tip पर, गर्दन सीधी, relax the body. एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे, जहां भी तकलीफ हो शरीर में, विचारों में, भावनाओं में, अपने दर्द के साथ किसी और का दर्द, आपके अपनों का हो, ध्यान ले जाए। Let's pray, heal and death. शांति शांति शांति। आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल सकते हैं, यू कैन ओपन योर आईज स्लोली स्लोली। एंड टुडे सेशन आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, दोज आर मेडिटेशन लवर, दे आर अनेबल टू एक्सेप्ट करें इसको, सेटिस्फाई नहीं होंगे आज का सेशन में, हमारा ध्यान का लंबा समय होता है। बट आई एश्योर यू फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड, टुमारो नहीं संडे, मंडे मंडे ऑनवर्ड आई विल कीप द फुल टाइमिंग फॉर मेडिटेशन एंड नॉलेज सेशन। यस यू एक्सेप्ट इट, बोल बेटा। Yeah, Guruji, we accept it. We just learn to accept, yes. Not to frustrate. Very good, very good. Yeah, that is the thing. Kuch na kuch to mila na. Okay. Khush rahe, sukhi rahe, kal milte apan utsav mein, jahan par Shivani ji ke haath mein pura mic rahega aur saath mein rahegi. Anybody want to perform something, chanting, small, elevally, anybody, what? You just put them in the group, either me or the Shivani ji, hai na? And tomorrow Shivani and Dinu will perform something, and very possible Jayaji's mother, if allow, body allow, she can do, change some Shiv Purana,
एंड एनीबॉडी मोर वांट टू परफॉर्म जस्ट यू कैन मैसेज मी ओके। और देखिए मंडे का मेडिटेशन हमारा, संडे छुट्टी रहेगा, मंडे का मेडिटेशन हमारा टीना कराएगी। सबका नंबर ऐसे ही लगना है, रागिनी तुम्हारा भी लगना है, ठीक है, सब पता लगेगा। एक बार सबके क्वेश्चन के जवाब आपको देना, एक बार मैं आपको बना दूंगा ऑनर, आपसे कृष्ण पूछे जाएंगे, आपको जवाब देना है ना, कीप द कॉन्फिडेंस। यस ये होता है, हाँ गुरु जी। और मैं करूंगा एक बार कभी बेसा, किसी को बोलूंगा कि सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उत्तर देना, आपके पीछे मैं खड़ा हूं, हो सकता है मैं जरूरत आपको नहीं लगे, मैं आप में भी वही शक्ति डालना चाहता हूँ जो मुझसे, ठीक है। आप देखिए मंडे को टीना कितना अच्छा ध्यान कराएगी हमको, ठीक है। एवरीबडी इज पार्टिसिपेशन, एवरीबडी हैज टू वर्क लाइक ए कृष्णा गुरु जी, सिंपल। खुश रहे, सुखी रहे, संप्रद रहे, आरोग्य रहे,